हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर नंबर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को कवर करा दिया है, जो आप लोगों को चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा, जहां से आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपको इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ रहेगा, जहाँ से आप इस वीडियो के जो भी क्वेश्चन है उसका आप पीडीएफ के रूप में आंसर भी लिख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज के इस चैप्टर में किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। ये सारी चीजों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके सामने कहा है कि जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत की स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं। तो इस चीज को आपको जिक्र करना है, इस चीज को आपको बताना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग हो सकता है, आपके एग्जाम में ये 250 से 300 के बीच पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना है, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है ये 250 से 300 क्वेश्चन के बीच में ये वाले प्रश्न इसमें आ सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको लॉन्ग में आंसर देना और ये आपको दीर्घतरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि जीवन के वे विभिन्न पहलू जिनमें भारत की स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती हैं, वो निम्नलिखित हैं, जिनमें फर्स्ट हमने लिखा है शिक्षा। यहाँ पे आप लोग ऐसे कर लेंगे, शिक्षा आपको पीडीएफ में सुधार करके मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया और ये ऐसे ही लिखा हुआ रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा फर्स्ट पॉइंट में आपको देखना है। शिक्षा, शिक्षा में हम लोग देखें तो महिलाओं की जो साक्षरता दर है अभी भी 54% तक ही रही है। 54% का मतलब होता है 54%, यानी कहने का इसका मतलब है कि 100 में 54 महिला ऐसा है जो शिक्षित है, जो साक्षर है, बाकी यहाँ पे जो शेष महिलाएं 46 बच रही हैं वो यहाँ पे साक्षर नहीं है। ठीक है, और पुरुषों में देखें तो 76 है, यानी पुरुषों और महिलाओं के बीच जो तुलना करें तो इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा इसलिए होता है कि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह वो लड़कों पर बहुत ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। यही रीजन है कि जो महिलाओं में शिक्षा की स्थिति है वो हमेशा बिगड़ती चली जा रही है, और आने वाले समय में शायद ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ न कुछ पॉइंट सुधरेगा और आने वाले समय में अगर हम लोग शिक्षित बनेंगे तो आने वाली जो जनरेशन होगी वो भी शिक्षित बनेगी। ठीक है, अब बढ़ते इसके नंबर 2 पॉइंट पे। नंबर 2 पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि महिलाएं काम करती है लेकिन उनको मजदूरी कम मिलता है। क्यों कम मिलता है? क्योंकि हम लोग उनके काम को अच्छा से आंकते नहीं है और हम लोग उनके काम को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, तो उत्तर में हमने लिखा भी है कि कानून के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन या मजदूरी मिलना चाहिए, परंतु महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों के बदले उन्हें कम मजदूरी या वेतन दी जाती है। यानी जो कार्य महिलाएं करती हैं उनके बदले उन्हें कम पैसा मिलता है, कम वेतन दी जाती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो महिलाएं वर्क करती हैं वो हम लोगों से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है, वो ज्यादा वैल्यू के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसमें और भी हमने पॉइंट लिखा है नंबर 3 में, जिसमें हमने दर्शाया है कि उच्च पदों पर नियुक्ति महिलाओं में अभाव के कारण वे उच्च स्तरों के पदों पर चयनित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे किस चीज का अभाव होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप सुधार लेंगे, महिलाओं में शिक्षा के अभाव यहाँ पे कर लेंगे, महिलाओं में शिक्षा के अभाव के कारण वे उच्च स्तरों पर चयनित नहीं हो पाती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दीजिए और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे हमने लिखा है, जिसमें लिखा है कि विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा कुछ इस प्रकार से है, जिसमें फर्स्ट हमने दर्शाया है रोजमर्रा की मान्यताओं में सांप्रदायिकता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग आने वाले समय में यानी डेली के काम में हम लोग अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते हैं। अपने एक समुदाय को जैसे अगर बात करें तो हिंदू समुदाय, हिंदू में भी बहुत सारे समुदाय डिवाइड है, जैसे कि यहाँ पे जाति से रिलेटेड देख ले तो यहाँ पे तो सभी समुदाय अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ करने की कोशिश में यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति आ जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई
धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता शामिल है। और ऐसा आप देख सकते हैं आतंकवादी जो धार्मिक समूह होते हैं इनका सबसे बहुत अच्छा ही उदाहरण है। उसके बाद नंबर टू पॉइंट में लिखा है कि एक प्रमुख प्रभुत्व या एक अलग राज्य बनाने की इच्छा, यानी सभी लोगों को ऐसा सोच होता है कि हम अपने संप्रदाय के लिए कुछ अलग राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करें। हमने लिखा भी है कि सांप्रदायिक सोच अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में रहती है। ठीक है, हमने ऐसा भी लिखा भी है कि वो हमेशा क्या करेगी, अलग से अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करेगी। जैसे अगर बात कर ले तो हिंदू में भी बहुत सारे संप्रदाय बटे हुए हैं, तो उनमें बहुत से जैसे मान लीजिए शैव संप्रदाय हो गए या इसमें और भी वैष्णव संप्रदाय हो गए, तो ये सब क्या करते हैं ना, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए या अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वो सोचते हैं कि अलग से हम लोगों का एक समुदाय होना चाहिए। आगे बढ़िए, और इसका उदाहरण आपको मिल सकता है जम्मू कश्मीर और मध्य भारत में अलगाववादी नेता के द्वारा। ठीक है, जिसमें राजनीतिक दल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है, इसी में हमने नंबर तीन पॉइंट को भी ऐड किया है, जिसमें लिखा है कि मतदाताओं को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए धार्मिक प्रतीकों और नेताओं का उपयोग करना, जिसमें हमने बताया है कि इसमें धर्म के नाम पर पवित्र जो उनका प्रतीक है, प्रतीक मतलब कहने का मतलब सिंबल। ठीक है, सिंबल में जैसे मान लीजिए कि ये ओम है, किसी का क्रॉस रहता है, ठीक है, किसी का ये चांद होता है, तो यही चीज कहता है कि इनके जो पवित्र प्रतीक हैं, धर्म गुरु हैं, भावनात्मक उनसे अपील की जाती है कि अपने ही लोगों के मन में डर बैठ जाए ताकि वे उन तरीकों का उपयोग करें जो आम लोगों के लिए होता है। यानी आम लोग चाहते हैं अपने संप्रदाय को बनाना, सांप्रदायिक दंगों जैसे पॉइंट को लाना, तो यही चीज यहाँ पे धर्म गुरुओं से करवाया जाता है। उनके प्रतीक को लेकर के आपने बहुत बार देखा भी होगा कि हिंदू और मुस्लिम में जो लड़ाई हो जाती है हमेशा अक्सर देखी जाती है, तो ये क्या है, ये धर्म को लेकर के होने वाली ये लड़ाई है जिसमें जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, वो धर्म के नाम पर अपने लोगों को, अपने वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए फोर पॉइंट में हमने लिखा है कि इन सब के अलावे और भी कई बार सांप्रदायिकता दंगा देखने को मिला है। यहाँ पे दंगा होगा, ठीक है, यहाँ पे गंदा रूप लेकर के क्या करता है, ठीक था बच्चों, यहाँ पे गंदा ही होगा, ठीक है, यहाँ पे गंदा ही होगा, यहाँ पे आप गंदा ही कर लेंगे। सबसे इन सब के अलावा कई बार आपको सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप ले लेता है, जिसमें संप्रदाय पर हिंसा करने की कोशिश यहाँ पे चालू हो जाता है, फिर साथ में दंगा हो जाता है, नरसंहार हो जाता है। और इसका एग्जांपल आप 2002 में देख सकते हैं कि गुजरात का जो सांप्रदायिक दंगा है वो किस तरीके का था और इन सबों में संप्रदाय को लेकर कितनी क्षति हुई थी, तो ये चीज आपको यहाँ पे सांप्रदायिक रूप से देखने को मिल जाएंगी। अब आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर भी हमने यहाँ पे लिखा है कि लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन आपको सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेगा, जो हम लोगों का भारतीय समाज है। और इनमें आपको खास करके जो देखने वाले पॉइंट मिलेंगी, इसमें आपको देखने को मिलेगा वैवाहिक एवं पारिवारिक जो संबंध है उनका एक दूसरे में ना होना। कहने का मतलब है कि अगर एक कोई व्यक्ति है और बी कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये हिंदू है और मान लीजिए ये आपका मुस्लिम है, तो हम लोग एक दूसरे के यहाँ शादी नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है कि हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग अपने ही संप्रदाय में शादी करना पसंद करते हैं, जो भी संप्रदाय के हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। सेकंड में छुआछूत जैसी जो भावनाएं हैं ये भी आज हमारे समाज में जीवित हैं, और पुराने जो परंपरा हैं उनको भी हम लोग अपने साथ ढो के चल रहे हैं और हमेशा उसको लेकर के चलने की जो परंपरा है ये भी हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि जातिगत असमानताएं किस तरीके से फैली हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें कहा गया है कि दो कारण बताइए
जिसमें आपसे पूछा गया है कि जाति के आधार पर भारत में जो चुनावी नतीजे हैं वो क्यों तय नहीं हो सकते हैं, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन में दो कारण पूछा है। तो हमने देखिए उत्तर में लिखा है कि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि भारत में ऐसा कोई भी संसदीय ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां एक ही जाति स्पष्ट रूप से बहुमत में हो। यानी इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, तो इस एरिया में मान लीजिए बिहार का एक पटना है, ठीक है, और इस पटना में केवल और केवल ऐसा नहीं है कि हिंदू का ही वर्चस्व है या कह सकते हैं हिंदू का ही बहुमत है। यहाँ पे बहुत सारे कास्ट रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं और उन सब का अलग अलग एक बहुमत होता है। तो यही चीज, यही रीजन के कारण यहाँ पे जो चुनावी नतीजा है वो जात के आधार पे नहीं हो सकता है। फिर सेकंड में हमने लिखा है कि कोई पार्टी या दल किसी विशेष जाति के सभी वोट हासिल नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो भूमिहार से रिलेटेड है, ठीक है, और भूमिहार वाले जो लोग हैं वो उनको सिर्फ भूमिहार वाले भूमिहार का यहाँ पे प्रतिनिधि खड़ा है, मान लो ऐसे भूमिहार का प्रतिनिधि खड़ा है, तो यहाँ पे जो भूमिहार लोग हैं ना वो सिर्फ भूमिहार को नहीं सपोर्ट करेंगे, वो यहाँ पे यादव लोग की भी सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे ब्राह्मण लोग को भी सपोर्ट करेंगे। तो यही रीजन है कि यहाँ पे जाति के आधार पर चुनाव का जो नतीजा है उसको तय नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज भी आप उम्मीद करते समझ पाए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। देखिए इसका प्रश्न का उत्तर हमने दिया है कि भारत की विधायिका में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही कम है, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो रही है। लोकसभा में महिला सांसदों की अगर संख्या की बात करें तो ये मात्र 14.36% तक पहुंच सकी है। राज्यों के विधानसभाओं में अगर बात करें तो ये 5% से भी कम है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो ये स्थानीय सरकार निकायों में कुछ अलग स्थिति देखने को मिलेगा, जिनमें यहाँ पे स्थानीय लिखा हुआ थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लेंगे। स्थानीय सरकारी निकायों जैसे कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की बात करें तो इनमें महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई है, और कुछ सीटें का मतलब यहाँ पे आपको दिखाया गया है 1/3 सीट, यानी 1/3 कहने का मतलब 4 में से 3 महिला का रहेगा, ठीक है, सॉरी 4 में से 1 महिला का रहेगा, बाकी 3 अन्य लोगों का रहेगा, यानी 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। और ग्रामीण और शहरी जो स्थानीय निकाय हैं उनमें से अगर हम लोग बात करें तो कम से कम 10 लाख से अधिक ऐसे महिलाएं हैं जो निर्वाचित हो चुकी हैं। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे जो स्थिति है वो सुधर रही है, और आने वाले समय में ऐसा आका जा रहा है कि आने वाले समय में भी सुधरेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो हमने उत्तर में लिखा है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने वाले 2 प्रावधान निम्नलिखित हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चीज को डाला है यहाँ पे कि भारतीय राज ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। अंगीकार का मतलब होता है उसे स्वीकार नहीं किया है, जैसे कहने का मतलब जो हमारा कंट्री है ये पूर्ण रूप से जो धर्म है उस पर आधारित नहीं है, जैसे कहने का मतलब हिंदू धर्म, तो ये हिंदू धर्म पर पूर्ण रूप से ये आधारित नहीं है, या यहाँ पे जो राजकीय धर्म है वो हिंदू को नहीं दिया गया है और ना ही ये मुस्लिम को दिया गया है। तो इसके वजह से यहाँ पे जो लोकतांत्रिक है वो चीज़ यहाँ पे पूर्ण रूप से अस्पष्ट होती है। फिर हमने सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। यहाँ पे आज़ादी लिखा गया है, आप थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे, यहाँ पे आज़ादी देता है, यानी हमारे संविधान में ऐसा लिखा गया है कि आप किसी भी जाति से रिलेटेड हों, किसी भी समुदाय से रिलेटेड हों, किसी भी धर्म से रिलेटेड हों, तो आपको फ्रीडम दी गई है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को आप प्रचार कर सकते हैं। तो ये आपको फ्रीडम दी गई है, आपको आज़ादी दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में, ठीक है। अब आगे के पॉइंट्स पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, या हमारा अभिप्राय क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं,
फर्स्ट में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर है, इसी का मतलब होता है लैंगिक विभाजन। सेकंड में कहा है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं, जिसको हम लोग लैंगिक विभाजन समझते हैं। ग में कहा गया है कि बालिकाओं और बालक और बालिकाओं की संख्याओं का जो अनुपात है उसको लैंगिक विभाजन कहते हैं। या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, ये लैंगिक विभाजन है। तो इनमें से क्या आपका सही जवाब होगा, क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन ख होगा, जिसमें समाज ने स्त्री और पुरुष के बीच में बहुत सारे असमान भूमिकाएं दी है कि पुरुष क्या कर सकते हैं, महिलाएं क्या कर सकती हैं, महिलाएं क्या नहीं करेंगी, पुरुष क्या करेंगे। तो ये चीज हमारे समाज में दी गई है और ये समाज में स्त्री और पुरुष के बीच दी गई है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ख होगा। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, यानी भारत में औरतों के लिए आरक्षण किस जगह पे है। ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, लोकसभा में है, विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में है या पंचायती राज संस्थाएं में है। तो भारत में औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो आपको पंचायती राज संस्थाएं में की गई है। तो ऑप्शन घ बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर कीजिए और इसका जो सांप्रदायिक राजनीति है इसकी धारणा पर आधारित आप बताइए कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है अ में कहा है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद ब कहता है कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। स में कहा गया है कि एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। और द में कहा गया है कि एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और इनमें से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए ऑप्शन। ऑप्शन में दिया है अ, ब, स और द, ख में कहा है अ, ब और द, ग में कहा है अ और स, और घ में कहा है ब और द। अब चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो कहता है सांप्रदायिक राजनीति एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, ठीक है। क्या बोलता है कि एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल संप्रदाय के लिए बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तीन गो में है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये आपका तो पहले ही ऑप्शन छट गया। फिर उसके बाद कहता है बमे कि विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिकों के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। तो ऐसा जब होता तो सांप्रदायिक राजनीतिक होता नहीं। तो यहाँ पे ये जो आपका ब है ये आपका कैंसल हो जाएगा। अब इसमें से देखें तो ब इसमें भी है, ब इसमें भी है, इसमें ब नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अ और स है। तो इसमें अ और स ही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी आपको बताना है कि कथन कौन सा गलत है। चलिए देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन में बात करा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। हमें कहता है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है, या किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो हमारे संविधान के लिए ये बिल्कुल बात सही है कि यह धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी धर्म मानने की आजादी पूर्ण रूप से होगी। यहाँ पे सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार दिया है धर्म के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ख बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल गलत है। हमारा संविधान कभी नहीं कहता कि कोई एक धर्म को लेकर के हमारा यही हम लोगों का राजकीय धर्म है, ऐसा नहीं कहता है। तो ये ऑप्शन ख बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर बहुत ईजी है, इसको आपको भर लेना है। इसमें कहता है पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है। तो जाति पर आधारित जो सामाजिक विभाजन है वो हमारे कंट्री सिर्फ भारत में ही है, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ईजी है, जिसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मेल कराना है और कोड के आधार पर सही जवाब खोजना है।
तो चलिए देखिए, हमने यहाँ पे मिला भी दिया है अधिकार और अवसरों के मामले, स्त्री पुरुष एक इनसे रिलेटेड होंगे, धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति किस तरीके का होगा, जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति किस तरीके का होगा, तो ये सारे चीजों को यहाँ पे हमने मिलाया है, जिसमें हमने पहला को मिलाया कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष का मतलब होता है नारीवाद, ठीक है। फिर उसके बाद धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला जो व्यक्ति होंगे, ठीक है, धर्म को मुख्य आधार मानने वाले जो व्यक्ति होंगे उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे संप्रदाय की बराबरी मानने वाला व्यक्ति, ठीक है। फिर उसके बाद है जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, इसको हम लोग जातिवादी कहते हैं। फिर उसके बाद व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर मानने वाला जो व्यक्ति होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो धर्म निरपेक्ष व्यक्ति कहेंगे। तो इसमें आप ऑप्शन ख को मिला लीजिए, ख ही आपका सही जवाब होगा, यानी रे ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।